नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूँ आपके साथ साक्षी निर्माण। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों से। खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूर्व निर्धारित दो दिवसीय दौरे पर अपने गृह क्षेत्र खटीमा पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत सम्मान किया। खटीमा पहुंचकर उन्होंने आज बहुप्रतीक्षित खटीमा बाईपास का लोकार्पण किया। साथ ही उन्होंने नेशनल हाईवे कुटरी में जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल हर घर नल योजना का भी निरीक्षण किया और उद्घाटन किया। आपको बता दें, खटीमा बाईपास के अभाव में स्थानीय लोगों के साथ अन्य शहरों की ओर से आवागमन करने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वही बाईपास के लोकार्पण से जाम की स्थिति, दुर्घटना, भीड़भाड़, प्रदूषण तथा अनावश्यक समय की बर्बादी आदि से निजात मिलेगा। वहीं उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि खटीमा बाईपास के लोकार्पण से खटीमा, बनबसा, टनकपुर, चंपावत, लोहाघाट, पिथौरागढ़, धारचूला आदि विभिन्न शहरों को जाने वालों को काफी लाभ मिलेगा। साथ ही आए दिन जाम की स्थिति तथा प्रदूषण से भी निजात मिलेगा। खटीमा बाईपास के लोकार्पण से आज इसके चालू हो जाने से गदरपुर के बाईपास का लोकार्पण, खटीमा बाईपास से बनबसा, टनकपुर, खटीमा, पिथौरागढ़, चंपावत, लोहाघाट और धारचूला तक सीधे सीधे जो शहर के अंदर यानी आबादी के बीच से आना पड़ता था और यहाँ के लोगों को भी तमाम प्रकार का जो अनावश्यक रूप से प्रदूषण है वो उनके ऊपर उसका असर पड़ता था और जाम और तमाम प्रकार की जो समस्याएं हैं उनसे निजात मिलेगी और सीधे सीधे लोग यहाँ से जाएंगे आसपास के क्षेत्रों का। वहीं गदरपुर बाईपास के बन जाने से इस क्षेत्र के लोगों और आसपास के क्षेत्र के लोगों बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। उनकी यात्रा उसकी समय सीमा कम होने वाली है। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ, माननीय गडकरी जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने दिया है, हमारे केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट जी जिन्होंने इसके लिए अत्यधिक प्रयास किया है उनका भी धन्यवाद करता हूँ और सभी जनप्रतिनिधियों का जो हमारे इस काम में लगे थे उन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ।